तो स्टार्ट करते हैं न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो जो है छोटा सा एक प्लॉट के ऊपर छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो थोड़ा टाइम देना, आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप मेरे जो ये जो ड्राइंग है आप थोड़ा सा इसको वॉच कर सकते हैं, जो फॉलो कर सकते हैं ड्राइंग को, जो आपके कुछ नॉलेज आएगा। इस प्लान में मैंने क्या क्या छोटा सा प्लॉट के ऊपर क्या क्या मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसमें देखिए, पहले मैं क्या करता हूँ, इसका जो वॉल है वॉल का ड्राइंग पहले मैं करके देखिए यहाँ पर वॉल है, ये 5 इंच का वॉल है दोस्तों, ठीक है 5 इंच का वॉल। और इस वॉल का जो अंदर का जो वॉल होगा, इसका जो पार्टीशन वॉल, ये भी आपका 5 इंच का वॉल, ठीक है दोस्तों। तो आप 5 इंच वॉल को और अंदर का जो वॉल है देखिए, इसको भी आप 5 इंच रखिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम करेंगे यहाँ पर और एक वॉल, और यहाँ पर ले आएंगे एक सेंटर से एक वॉल यहाँ पर, ठीक है। तो इधर इधर इधर, ओके। नेक्स्ट जो आएगा इधर जो एक वॉल होना चाहिए इधर, जो मुझे करना चाहिए अभी, तो ये तो इधर से स्टार्ट होगा इधर तक, ठीक है। और इधर से इधर और इधर से इसका होना चाहिए इधर तक, ठीक है। और इधर क्या होना चाहिए इसके बारे में भाई बाद में बात करते हैं, पहले आपको ड्राइंग का डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद आपके साथ शेयर करते हो जो यहाँ पर और क्या क्या होना चाहिए और क्यों मैंने यहाँ पर इस टाइप का डिज़ाइन किया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है इसको मैं एडजस्ट कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट इधर जो आएगा जो स्टेयर का जो बात होता है बिल्डिंग का, वही यहाँ पर आएगा। तो मैंने इस पर जो बेडरूम होना चाहिए, जो छोटा सा एक प्लॉट है उसका साइज़ मैं ड्राइंग करने के बाद आपके साथ शेयर करता हूँ अभी। तो देखिए यहाँ पर जो, ठीक है ऐसे ही होगा। तो इधर से स्टार्ट होना चाहिए इस स्टेयर को, और इधर से घर के अंदर जाने का गेट आप प्रोवाइड कीजिए, ठीक है दोस्तों। इधर से भी आप, इसका नीचे से भी आप अंदर यहाँ पर आप गेट प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके। इधर से भी आप अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो मेज़रमेंट है 16 फीट और इधर जो है 26 फीट, ओके इस टाइप का प्लान है इसमें। हाँ दोस्तों 26 बाई 16 फीट का प्लान। तो चलिए इसका जो अभी जो इसका वॉल कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर इसका विंडो होना चाहिए, ये सब कुछ आपके साथ अभी शेयर करते हैं। देखिए यहाँ पर जो वॉल है, यहाँ पर भी वॉल, यहाँ पर वॉल, देखिए दोस्तों यहाँ पर वॉल है, ठीक है यहाँ पर वॉल। और जहाँ पर विंडो आपको ज़रूरत है, आपका पॉसिबल है विंडो प्रोवाइड करने का, तो आप वहाँ पर विंडो प्रोवाइड कीजिए। मैं क्या करता हूँ, एक ऑप्शनल प्लान तैयार करके आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो उसके उससे क्या होता है, आपको कुछ नॉलेज आ जाता है किस टाइप का आपका प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास पॉसिबल है तो आप उस वहाँ पर आपका हिसाब से वहाँ पर आप विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर डोर, यहाँ पर भी डोर, ओके दोस्तों। और देखिए एक बार, और यहाँ पर एक डोर, ओके यहाँ पर तो मेन गेट, यहाँ पर मेन गेट, दोनों साइड से आप गेट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर विंडो और यहाँ पर भी आप विंडो प्रोवाइड कर दीजिए, ओके। देखिए पूरा प्लान को, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप विंडो प्रोवाइड कीजिए, यहाँ पर भी आप विंडो प्रोवाइड कीजिए, यहाँ पर भी विंडो, ठीक है। यहाँ पर जो है एक वेंटिलेशन आएगा, ठीक है वेंटिलेशन, यहाँ पर
विंडो आएगा, तो यहाँ पर भी एक विंडो, यहाँ पर विंडो, यहाँ पर मेन गेट। तो देखिए इसका जो बात है, यहाँ पर एक बेडरूम, यहाँ पर किचन, यहाँ पर एक रूम, छोटा सा एक स्टडी रूम, ओके, यहाँ पर बाथ एंड लैट्रिन, और यहाँ पर जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एक साथ, ठीक है। तो स्टेयर, तो यहाँ पर तो आपका लैंडिंग हो जाएगा। तो स्टेयर का यहाँ पर देखिए जो 9 फीट का इधर, और इधर जो है आपका 10 फीट 10 इंच का डिस्टेंस है, ठीक है। और इधर जो बात है 7 फीट 6 इंच का इधर, और इधर जो है 4 फीट 9 इंच का, ओके। तो इसको आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, तो इसको हम देंगे 8 फीट 3 इंच का इधर डिस्टेंस, और इधर जो है 6 फीट का, ओके, और इधर भी 6 फीट, इधर जो है 6 फीट 6 इंच का। मैंने क्या कहा, ईस्ट है, यहाँ पर साउथ ईस्ट में मैंने किचन को प्रोवाइड किया, ठीक है। यहाँ पर जो आपको साउथ वेस्ट में मैंने स्टेयर को प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर जो लैंडिंग आएगा, नीचे से आप अंदर जा सकते हैं। इसको जो साइज है 5 फीट 9 इंच, ओके, छोटा सा है, 16 फीट है इधर। तो टोटल जो एरिया इधर जो आएगा आपका 10 फीट, और इधर जो आएगा आपका 8 फीट 3 इंच, 8 फीट 3 इंच, ओके दोस्तों। तो देखिए इधर तो आपको मेजरमेंट मिल गया। नेक्स्ट जो आएगा आपका कॉलम, कॉलम कहाँ पर देखिए इसका, इधर आप इधर कर दीजिए, इधर भी कॉलम। आपको जो स्टेयर होता है इसको कॉलम देना है, ठीक है, यहाँ पर आप कॉलम प्रोवाइड कीजिए। तो इस टाइप का कॉलम यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बिल्डिंग कॉस्ट आएगा, बिल्डिंग कॉस्ट इसका कितना आएगा, 26 × 60, तो इधर जो है 7 लाख में आपका बिल्डिंग, 7 या 6 लाख में बिल्डिंग आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब आपका कितना हुआ, 16 फीट बाई 26 फीट का बिल्डिंग का प्लान, ओके। तो देखिए ईस्ट नॉर्थ साउथ पूरा बिल्डिंग प्लान को एक बार देख लीजिए, अच्छा लगे जरूर लाइक कर देना, फ्रेंड के साथ शेयर कर देना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलते हैं।